अपार्टमेंट में बरार स्क्वायर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़, और इस वक्त दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में विपिन रावत और उनकी पत्नी, ये देखिए 21 तोपों की मुखाग्नि देने के साथ ही देश को सर्वश्रेष्ठ देने वाले, अपना सब कुछ इस देश पर निशावर करने वाले सीरियस विपिन रावत को सर्वश्रेष्ठ विदाई भारतीय सेना की ओर से 17 तोपों की सलामी, और इस आसमान को ये संदेश कि धरती का शेर अब आपके पास आ रहा है। पंचतत्व में मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन करने की प्रक्रिया आरंभ। बहुत मुश्किल वक्त, बहुत ही भावुक पल द्रवित कर देने वाले ये लम्हे, और मुखाग्नि दे दी गई है, और ये इंडियन आर्मी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विदाई सीरियस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी को 17 तोपों की सलामी दी गई है सीडीएस विपिन रावत को। जहाँ पिता के साथ में मौजूद हैं और उनको बड़ी बेटी जो है वो हाथ में देखी थी, इस तरह से मुझे लगता है कि ये जीता पात्र है जो उनको दिया गया है, और दोनों बेटियाँ साथ साथ हैं और उसी खुशी में दोनों बेटियाँ जा रही है, और अब मुखाग्नि बेटियाँ यहाँ पर देखी। बहुत ज़्यादा कठिन वक्त दोनों बेटियों के लिए, माता पिता दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके साथ नहीं रहे, सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुरिका रावत दोनों का ही निधन हुआ इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, और दो बेटियां दोनों एक साथ खड़ी हैं। बहुत हिम्मत जज्बा सारी प्रक्रियाएं पूरी करने का, और ये पंचतत्व में विलीन होते हुए दोनों के पार्थिव शरीर आहुति देते पारिवारिक लोग एकदम रोक देने वाले ये पल और ये प्रक्रियाएं,
नश्वर शरीर की जो बोध हमें होता है वो अब इस वक्त दिखता हुआ सीडीएस विपिन रावत की दोनों बेटियां अब तक तो संभाला उन्होंने खुद को और अब ये देखिए ये पल इस वक्त नहीं शायद उनसे संभाला जा रहा है और पीछे से परिवार के लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ है लेकिन स्थिति बहुत ही ज़्यादा ये दृश्य आप देखिए कि पूरा बरार स्क्वायर खड़ा हो चुका है जितने लोग आए थे सब खड़े हैं बाहर लोग अमर रहे के नारे लगा रहे हैं रत्ती भर की आवाज बरार स्क्वायर से नहीं आ रही है केवल अग्नि के जलने की आवाज आ रही है और अब यहाँ जो तैयारी है वो परिवार के सदस्यों की और जो वीआईपी आए थे उनके जाने की होगी परिवार के सदस्य किसी भी तरह से बस हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए